अब आप मुझे बताएं, आपने केस सारा पढ़ ली है, पहले तो मुझे बताएं कि पेशेंट के विजिट कितने हैं यहाँ पे, कितनी दफा वो डॉक्टर के पास आया, ये डेट से मैं पता लग जाता, हाउ मेनी टाइम्स। सिक्स टाइम्स, ठीक है जी। जी मैं ऑनलाइन फ्रेंड्स, पेशेंट कितनी दफा आया डॉक्टर के पास? सिक्स टाइम सिक्स टाइम्स नहीं है, सिक्स टाइम ध्यान से देखिए कितने दफा आया पेशेंट डॉक्टर के सर, पास। फाइव टाइम है सर। आप लोगों ने केस पढ़ा, ध्यान से दोबारा देखें। फाइव टाइम है सर। आपके पास छह विजिट्स हैं, यहाँ छह डेट्स हैं आपके पास, इसमें सिर्फ दो डेट्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ रिपोर्ट रिसीव हुई है, तो फिर इसका मतलब पेशेंट की सिर्फ चार विजिट है, क्योंकि ये रिपोर्ट रिसीव हुई है उसको डिस्कस अगली दफा किया गया जब पेशेंट विजिट के लिए आया, बेसिकली सिर्फ चार विजिट है पेशेंट। वी गुड। अब जब पेशेंट आएगा वो तभी प्रॉब्लम बताएगा डॉक्टर को, अपने जीपी को, सिर्फ उन चार डेट्स के अंदर पढ़ें और ये देखें कि क्या पेशेंट आके इन चारों विजिट्स में से एक ही कंप्लेन की है कि डिफरेंट कंप्लेन की है, और आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि वो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कितनी डिटेल्स है, ये कितनी प्रॉब्लम्स है जो उसने आके बताई है बार बार जीपी को इन चार विजिट्स के अंदर। जिनको अभी भी नहीं समझ आई मैं बता देता हूँ, आपकी जो 29, 12, 13 है, एक ये विजिट है, उसके बाद 12, 01, 14 ये दूसरा विजिट है पेशेंट का, 30, 01, 14 ये तीसरा विजिट है, और चौथा विजिट उसका 10, 02, 14 का। तो जो 6 फरवरी की डेट है और 5 जनवरी की, इसमें सिर्फ रिपोर्ट्स रिसीव हुई है, इसमें विजिट्स नहीं है। इन चार डेट्स के अंदर आप देखिए कि पेशेंट ने आके कौन सी बात बार बार की कि जी मुझे तो ये हो गया। ब्लड शुगर लेवल की ब्लड प्रेशर मेंटेन है उसका, विद इन द रेंज है। ठीक है, शुगर लेवल जो है ना उसका मेंटेन नहीं है। जी माय डियर फ्रेंड्स, एग्री है। मेनली वो चारों दफा आके उसने एक ही कंप्लेन की है, उसके अब विजिट्स मल्टीपल हैं मगर उसकी कंप्लेन एक है, और एक्चुअली जो उसके टेस्ट हुए हैं वो भी सारे उसी से रिलेटेड ही, मेनली वो उसके ग्लूकोज को ही मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसे ही है। अब आपने जो दूसरी चीज आइडेंटिफाई करनी होती है वो होती है कि पेशेंट का मेन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को भेजूंगा तो मैंने साथ ये भी तो बताना है कि यार मेरे पेशेंट का मसला क्या है। तो पेशेंट का एक्चुअली मसला क्या है, अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स, ऐसी है या उसकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, इस वक्त ये भी लिख लें आप अपने पेज। लेकिन दो चीजें मैं बता लग गई, ठीक है। तीसरी चीज हमने ये देखनी होती है कि जिसको मैं लेटर लिख रहा हूं उसको मैंने ये भी बताना है कि एक्चुअली मेरी डिमांड क्या है आपसे, या मैं किस लिए आपके पास पेशेंट को भेज रहा हूँ, जिसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। रिक्वेस्ट क्या है आपकी, इसके अंदर आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से क्या डिमांड कर रहे हैं बेसिकली? फर्दर मैनेजमेंट। फर्दर मैनेजमेंट, ये कहाँ लिखा हुआ है जी? ये लास्ट विजिट पे राइटिंग टास्क डन हो गया, ठीक है। अब आपको एक बात नोट करवाने लगूं, आपने बात नोट करनी है। हमने भी डिसाइड किया था कि आपको जब लेटर मिलेगा आपने सबसे पहले आके तो राइटिंग टास्क पढ़ना। राइटिंग टास्क में दो चीजें तो क्लियरली लिखी होती है, एक तो लिखा होता है कि किसको लेटर लिखा जा रहा है, नाम गिवन होता है, अगर नहीं गिवन है तो स्पेशलाइजेशन तो गिवन होगी, वन चीज। दूसरी कि उसको रिक्वेस्ट किसी में लिखी होती है, बेसिकली उसको रिक्वेस्ट की जा रही है फर्दर मैनेजमेंट, ठीक है। आपका जो राइटिंग टास्क होता है ना इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैंने देखा है कि मेनी टाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं बस ये तो सवाल लिखा हुआ है, एक्चुअल डिटेल तो केस के अंदर है, तो पहले ये तो देखिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्दर मैनेजमेंट,
यहां पर खाली मैनेजमेंट भी आ सकता है कभी कभी, यहां पर इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट भी आ सकता है कभी कभी, यहां पर यह भी लिखा हो सकता है कि डायग्नोसिस कंफर्म करें, कोई टेस्ट करवा के, वो को हो सकता है स्पेशल टेस्ट हो जो कि किसी स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में ही होता हो, तो जीपी रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्टर साहब प्लीज ये जरा ये वाला टेस्ट करवा के ना डायग्नोसिस कंफर्म कर दें प्लीज। गेटिंग माय पॉइंट? नेवर एवर इग्नोर द क्वेश्चन स्टेटमेंट। रिक्वेस्ट चेंज हो क्या थी, फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर दफा मैनेजमेंट ही आ जाए चलो जी मैनेज करते पेशेंट, नो। ठीक है, आज के केस में वो लिखा है फर्दर मैनेजमेंट। फर्दर मैनेजमेंट इसलिए लिखा, अगर आपने केस को पढ़ा आपको फौरन से शायद इस बात का अंदाजा हुआ हो कि पेशेंट को भी नई नई शुगर नहीं हुई है, ये क्रॉनिक इसकी डिजीज है, काफी अरसे से इसको चल रही है, और अगर आप डेट आइडेंटिफाई करें तो 1994 में पेशेंट को ये आइडेंटिफाई हुआ था, और आप जिस लेटर लिख रहे हैं वो 2014 है, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए इसको शुगर है, तो 20 साल से शुगर मैनेज हो ही रही थी ना, अब नहीं हो रही है। अब इसकी जीपी ने लिखा है कि सर फर्दर मैनेजमेंट आपने करनी है। ये जो बात होती है लाइक इसके अंदर सारी गेम वर्ड्स के ऊपर टिकी हुई है, जो वर्ड्स हैं वो जो स्पेशलिस्ट उसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, अभी हम लेटर में आगे भी जाएंगे। सो मेरे पास अब रिक्वेस्ट भी आ गई है, आपकी ब्लड शुगर की फर्दर मेंशन, दैट्स द मेन रिक्वेस्ट। अगर आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में नहीं लिखा होता, अभी किसी ने बोला भी था जो ऑनलाइन है कि ये जो सबसे लास्ट विजिट है उसमें लिखा होगा, अगर आप सबसे लास्ट विजिट का जो सबसे लास्ट बुलेट उसमें पढ़े उसमें क्लियरली लिखा होगा रेफर टू स्पेशलिस्ट एट डायबिटीज यूनिट फॉर फर्दर मैनेजमेंट ऑफ शुगर लेवल्स, बिकॉज अगर आप पूरा केस पढ़े जो कि आपने पढ़ लिया है, यू कैन सी कि शुगर वॉज बीइंग मैनेज्ड बाय द जीपी, उसने मेडिसिन रिजीम भी चेंज किए हैं और भी कुछ उसने करके देखा है, बट इवेंचुअली नाउ ही हैज लाइक सीन के नहीं अब किसी स्पेशलिस्ट की ही जरूरत है, वो इंटरवीन करेगा तो काम बने। गुड, अगर आप ये राइटिंग टास्क की पहली लाइन पढ़ें, यहाँ पे लिखा है राइट अ लेटर ऑफ रेफरल, तो इस स्टेटमेंट में ये तो बात क्लियर होगी कि लेटर की टाइप हमें गिवन, हम ये भी लिख लेते अपने जोड़ पर। नाउ लेट्स सपोज एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, और वो ये है कभी कभी क्वेश्चन स्टेटमेंट में इतना क्लियरली लिखा ही नहीं होता फिर रेफर करते हैं पेशेंट को। अब फर्ज करें यहाँ पे सिर्फ लिखा हो राइट अ लेटर टू डॉक्टर स्मिथ, रेफर का वर्ड मैं निकाल देता हूँ बीच में, फर्ज करिए ये लफ्ज नहीं है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है लेटर के अंदर से कि कौन सी टाइप, क्योंकि टाइप पता होगी तब उसके मुताबिक आप आगे काम करेंगे। ठीक है, जैसे आपने लेटर पढ़ा है यहाँ पे आपका पता ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को जा रहा है। ठीक है, आप जो लेटर पढ़ के हैं यहाँ से यहाँ आपको पता है कि पेशेंट प्रॉब्लम के अंदर है, पेशेंट का मसला नहीं हल हुआ, बेसिकली इसको आगे कहीं पे रेफर किया जा रहा है फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। और अभी हमने थोड़ी देर पहले जब इसकी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि जब भी स्पेशलिस्ट को जा रहा होता है पेशेंट वो आमतौर पर नॉर्मल रेफर ही होता है। अब क्योंकि इस पूरे लेटर में कहीं पर भी अर्जेंट का वर्ड नहीं यूज किया उसने, ना इमीडिएट का वर्ड यूज किया, ना इसने कोई इंस्टेंट का वर्ड यूज किया, वो सारे वर्ड्स है जो बताते हैं कि पेशेंट को अभी देखें आप, मींस के सारे काम छोड़ दे अभी देखें, इसका मतलब है कि कोई अर्जेंसी नहीं। नॉर्मली जैसे एक स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ली जाती है, आज की मिल जाए, कल की मिल जाए, चार दिन बाद की मिल जाए, पेशेंट जाएगा स्पेशलिस्ट को दिखाएगा, रिपोर्ट्स दिखाएगा, उसके बाद स्पेशलिस्ट उसका ट्रीटमेंट कर देगा या जो भी उसके सजेस्ट करना, मीन्स की अर्जेंसी नहीं। अर्जेंसी होगी तो इसका मतलब कि अभी अभी भेजो पेशेंट को, अगर अर्जेंट का वर्ड नहीं लिखा तो ये नॉर्मल है, और अर्जेंट हमें पता है कि पेशेंट हॉस्पिटल ही जाएगा फिर वो स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएगा, तो ईआर में जो टीम होती है वो पहले पेशेंट को स्टेबल करती है, बाद में फिर देखते हैं कि अब किसको दिखाना है, किस स्पेशलिस्ट को रेफर किया जाए, कौन सा स्पेशलिस्ट आ किसको देखे, ऐसे ही है। हाँ, तो उसके बाद अगले पैराग्राफ में क्या लिखे, पेशेंट रिकवर हो दोबारा डिटोरिएट नहीं होते आपके, कभी पेशेंट कोलैप्स नहीं हुए ठीक होके, नहीं हुए पेशेंट को डिस्चार्ज करने को तो वो कहते रहते ही रहने दो मेनू फिर कोलैप्स हो जाता है, इट मींस कि पेशेंट रिकवर होने के बाद भी कभी कभी आप डिस्चार्ज करते उसी दिन पेशेंट वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसका कि
जो जीपी था वो मेंटेन कर रहा था, वो 20 साल से पेशेंट को मेंटेन कर रहा है ना, क्योंकि आप उसका रजिस्टर्ड पेशेंट है तो अब उसकी ऑनसेट 1994 लिखी है, तो हमें यही कंसिडर है कि इसका है कि वो 1994 से यही जीपी इसको कर रहे हैं। अब जीपी ने जब देखा कि यार कंट्रोल नहीं हो रहा, तो तभी उसने भेजा उसको, कंट्रोल हुआ मगर अगेन वो दोबारा हाई हो गया, इट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, मेडिसिन आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। यहां तक बात ओके है? सो अगर आपके लेटर में नहीं लिखा क्लियरली, तो आपने पूरा केस देखना है कि केस में क्या बात हो रही है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारी डेवलप होनी चाहिए। अगर स्पेशलिस्ट को जा रहा है और नॉर्मल कवर्ड अर्जेंट कवर्ड कहीं नहीं लिखा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये रेफरल ही है। अदरवाइज जैसे यहाँ पर ये रेफर का वर्ड लिखा है ना, वो कहीं ना कहीं पे आपको कोई ना कोई क्लू दे जरूर देता है। यहाँ तो जब आपका लास्ट विजिट होता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पे लिखा होता है कि मेरा इस वक्त का डिसीजन क्या है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ पेशेंट के साथ, उसमें क्लियरली लिखा कि पेशेंट को रेफर कर दें। इसके अलावा अगर आपकी राइटिंग टास्क से नहीं पता लग रहा, आपका जो लास्ट हेडर है राइटिंग टास्क के बिल्कुल ऊपर वहां से नहीं पता लग रहा, आपने लेटर के बिल्कुल फ्रंट पे आ जाना, राइट इन द बिगिनिंग, ठीक है, जहां पे लिखा है ना नोट्स, और ये लिखा है पेशेंट प्रिया शर्मा, इसके दरमियान में यहां पर कभी कभी एक स्टेटमेंट गिवन होती है, इसमें नहीं लिखी हुई, अगर वो स्टेटमेंट लिखी है तो कई बार उसमें भी लिखा होता है। ये कह लें कि आपके पास तीन लोकेशन है जहां से लेटर की टाइप आइडेंटिफाई होती है, पहली है राइटिंग टास्क इटसेल्फ, दूसरा है राइटिंग टास्क के बिल्कुल ऊपर जो बुलेट है वो वाला, और तीसरी आपकी लोकेशन ये वाली है। अब क्योंकि हमें राइटिंग टास्क और जो लास्ट बुलेट वहीं से कंफर्म हो गया, इसलिए यहाँ पर अगर नहीं भी कुछ लिखा हुआ तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कंफर्म है कि है ये रेफरल जा स्पेशलिस्ट पर है और जा भी नॉर्मल कैटेगरी में, दैट्स कंफर्म, वी गुड। तो आपने करना क्या होता है, आपने सबसे पहले जैसी लेटर आपके हाथ में आता है, आपने सबसे पहले देखना है कि इसका रीडर कौन है, मीन्स वो किस कैपेसिटी में पेशेंट को रिसीव कर रहा है। दूसरा आपने देखना होता है कि पेशेंट की मेन प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मगर कोई एक प्राइमरी प्रॉब्लम होती है उसकी जिसको आपने एक्चुअली डील करवाना होता है, बाकी तो कोमॉर्बिडिटीज में डील हो रही होती है। तीसरा आपने देखना होता है कि एक्चुअली आपकी रिक्वेस्ट क्या है, आपने कोई स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि बस आपने मैनेजमेंट करवा लिया उनसे, जैसे यहाँ पर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं, बस वगैरह कि फर्दर मैनेज कर, अब वो स्पेशलिस्ट के डिपेंडेंट है कि वो किस तरह की मैनेजमेंट करता है, गुड, ठीक है जी। ये जो तीनों चीजें हैं ये मिल मिला के बेसिकली आपके लेटर का पर्पस बनाती है। आपका जो पर्पस ऑफ लेटर है जिसको हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बोलते हैं, जो आपका सबसे पहला पैराग्राफ है लेटर का, उसमें ये तीन बातें जाननी होती हैं, क्योंकि जब रीडर इस लेटर को पढ़ना शुरू करे इंट्रोडक्शन में इसको पता लग जाए कि एक्चुअली इस वक्त क्या सिचुएशन और मैंने क्या करना है। सिचुएशन इज दिस कि पेशेंट आ रहा है मेरे पास क्योंकि मैं लेटर पढ़ रहा हूँ, ओके, किस कैपेसिटी में आ रहा है जी, रेफर होके आ रहा है, क्योंकि अगर ट्रांसफर या डिस्चार्ज होकर आ रहा है तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, तो मुझे पता है रेफर होके आ रहा है। अगर उसमें अर्जेंट का वर्ड नहीं लिखा, इसका मतलब नॉर्मली रेफर होके आ रहा है, दैट्स फाइन। दूसरी चीज मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक्चुअली पेशेंट का मसला क्या, और तीसरा ये है कि मुझे एक लाइन में या जनरली बताया जाए कि मैंने करना क्या, डिटेल्स बाद में आती हैं। इस चीज को हम बोलते हैं पर्पस ऑफ लेटर या सिचुएशन देना। तो आपका लेटर सिचुएशन से स्टार्ट होता है या पर्पस, और ये कहां से निकली है तीनों चीजें वो हमने भी मिलकर निकाल दी, गुड, इसी में आपकी लेटर की टाइप आइडेंटिफाई होगी।